हेलो गाइस, हाय, मायसेल्फ डी चिंकीनाथ एंड यू आर वाचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथा अस्तु, वन सेकेंड। गाइज, मैं आज जा रहा हूँ नारंगी टू अमीन गांव और मैं आप लोगों को जितना दूर तक हो सके उतना दूर तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि गुवाहाटी का माहौल ड्यूरिंग कोरोना वायरस कैसे है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, सो लेट्स गो। ये है फैंसी बाजार कंटेनमेंट जोन जो अभी सील करके रखा हुआ है। यू डोंट वरी गाइस, आई डोंट वांट टू स्टॉप हियर राइट नाउ। एंड दिस इज भरलोमुख शांतिपुर एंड दिस इज आल्सो कंटेनमेंट जोन। यू कैन सी दैट प्लेस। राइट हैंड दिस इज द टेम्पल ऑफ माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। मालीगांव में तो बहुत सारे दुकान खोले भी नहीं है और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स आर डूइंग सम वर्क और ऐसे भी कोई अकेले भी आदमी खड़े हैं अड्डा मार रहे हैं। तो दिस इज नॉट गुड फॉर एवरीवन। फेस पर मास्क तो सभी लोग लगा रहे हैं मगर सोशल डिस्टेंस का पालन बहुत कम हो रहा है जो कि गुवाहाटी वाले बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। सो बी केयरफुल गाइस। कुछ दिन पहले इसी बिल्डिंग में शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक वर्कर की मौत हो गया था और लॉकडाउन के वजह से काम पहले ही बंद कर देना चाहिए था बट ऐसा नहीं किया और उसके बाद बहुत बड़ा एक हादसा हो गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, फंसे हुए हैं गुवाहाटी में भी और गुवाहाटी के बाहर तो अलग ही बात है। और हाल ही में गुवाहाटी के बाहर से बहुत सारे आदमी आसाम में लाए गए हैं, उनमें से बहुत सारे पॉजिटिव केस भी सामने आ गए हैं। एंड नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ गुवाहाटी, सरायघाट पुल, जो कि आपका गुवाहाटी सिटी और अमीनगांव को कनेक्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत था, पहले वाला ज़्यादा अच्छा था मगर सेकंड ये जो मैं जा रहा हूँ ये वाला जो ब्रिज है वो काफ़ी नया है। एंड ऑब्वियसली ओल्ड इज गोल्ड। देखते देखते वीडियो का डी एंड होने वाले हैं तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूं। बस ये पहुंच गया। एक्चुअली बारिश बहुत जोर से दे रही है अभी बाहर में तो इसीलिए साउंड क्वालिटी इतना ठीक नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है आप एंजॉय किए हैं। अगर एंजॉय किए तो लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आया हूँ, बाय।